हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का टेक सेली में। दोस्तों आज मैं आपके लिए लाया हूँ रियलमी C15। ये देखिए दोस्तों, मोबाइल काफी अच्छा है यहाँ पे दिखने में। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने इसको 8 महीने के लिए यूज किया है और फिर भी यहाँ पे देख रहे होंगे नया है मोबाइल। यहाँ दोस्तों मैंने 8 महीने यहाँ पे यूज किया और आज मैं इसका रिव्यू करने वाला हूँ 8 महीने के बाद कि मेरा 8 महीने का सफर कैसा रहा। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे बैटरी की बात की जाए या यहाँ पे किसी भी तरह की बात की जाए, दोस्तों अगर कैमरे की बात की जाए या फिंगर की बात की जाए, तो हम टोटल यहाँ पे इसके डिस्कशन करेंगे, इसके अंदर क्या कमी रही और क्या यहाँ पे खूबियां रही। तो दोस्तों डिटेल के अंदर बताएंगे कि अगर आप अभी भी इस मोबाइल को लेना चाहते हो तो लेने के लिए हमें सही है या नहीं है। तो दोस्तों काफी अच्छा मोबाइल है, तो चलिए इसका रिव्यू करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे स्टार्ट करने से पहले अगर वीडियो को आपने लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए। दोस्तों अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिए। तो चलिए दोस्तों यहाँ पे करते हैं इसका रिव्यू स्टार्ट। तो दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले इसकी बात की जाए तो यहाँ पे Realme C15 जो है ना, वो मतलब एक लो बजट मोबाइल है। यानी कि अगर आप 10,000 के नीचे मोबाइल को खरीदना चाहते हैं तो ये आपके लिए काफी ज्यादा अच्छा है। जहाँ दोस्तों अगर आप 10,000 के नीचे चाहते हो, यानी कि आपको गेमिंग से ज्यादा मतलब नहीं, मतलब नॉर्मल गेम्स खेलते हो आप, अगर पबजी वगैरह का शौक है तो मैं पहले ही बता दे रहा हूँ ये आपके लिए नहीं है। मतलब अगर पबजी खेल तो लोगे आप, पर इसके अंदर लेग वगैरह होगा तो उतना अच्छा यहाँ पे पबजी नहीं खेल पाओगे इसके अंदर। और दोस्तों अगर आप नॉर्मल मतलब कॉल वगैरह यहाँ पे या छोटे मोटे फीचर्स यानी कि कैमरा नॉर्मल चाहिए आपको तो यहाँ पे काफी अच्छा है कैमरे वगैरह। और दोस्तों अगर इसके अंदर मेन जो बात करते हैं बैटरी की, जहाँ दोस्तों 6000 mAh की बैटरी मिलती है। दोस्तों मैंने जब इसको लिया था तब ये 9999 रुपए का था और अभी अगर इसकी बात की जाए तो यहाँ पे 8999 कुछ मिल रहा है। तो दोस्तों यहाँ पे 1000 रुपए इसके और घट चुके हैं। तो दोस्तों यहाँ पे प्राइस की बात की जाए तो इतना सस्ता मोबाइल वो भी 6000 बैटरी mAh के साथ, दोस्तों काफी ज्यादा अच्छा है। यहाँ पे बैटरी आपको जो मिलती है काफी ज्यादा अच्छी मिलती है। दोस्तों जब मैंने लिया था तो बैटरी यहाँ पे बहुत ही अच्छी चलती थी, पर अभी यहाँ पे थोड़ी सी यहाँ पे डैमेज हुई है बैटरी, क्योंकि मैं ज्यादा यूज करता हूँ इसको तो बैटरी में थोड़ा बहुत फर्क आया, ज्यादा कुछ यहाँ पे फर्क नहीं आया। और दोस्तों अगर कैमरे की बात की जाए तो कैमरे में यहाँ पे बिल्कुल भी मुझे शिकायत नहीं मिली है। मैं दिखा देता हूँ कुछ सैंपल्स आपको यहाँ पे पीछे कैमरे से। ये देखिए दोस्तों यहाँ पे कुछ फोटोज हैं जो मैंने इसी मोबाइल से क्लिक की गई है। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो कि कैसी अभी इसकी प्रेजेंट में फोटो है। और ये देखिए दोस्तों यहाँ पे सेल्फीज के भी कुछ सैंपल्स दिखा देता हूँ मैं आपको। तो ये देख लीजिए आप दोस्तों यहाँ पे पोर्ट्रेट के अंदर और यहाँ पे नॉर्मल यहाँ पे फोटोज के अंदर आप देख सकते हो। तो दोस्तों यहाँ पे जो फोटो वगैरह है वो अभी भी मतलब 8 महीने में कुछ ज्यादा चेंजेस नहीं हुआ है। और दोस्तों यहाँ पे इसकी डिस्प्ले की बात की जाए तो यहाँ पे डिस्प्ले इसकी काफी अच्छी मिली है मुझे दोस्तों। यानी कि ये मेरे हाथों से मतलब गिरा भी है, बहुत कुछ हुआ है, पर यहाँ पे इसका कुछ भी नुकसान नहीं हुआ है। जी हाँ दोस्तों यहाँ पे मतलब मजबूत मिलती है इसकी जो डिस्प्ले है, तो काफी अच्छी यहाँ पे डिस्प्ले की बात की जाए तो मुझे काफी अच्छी लगी। और दोस्तों यहाँ पे फिंगर की बात की जाए, यानी कि 8 महीने में जो पहले फिंगर काम करता था वैसा ही अभी काम कर रहा है मेरे। जी हाँ दोस्तों मैं यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ आपको, यहाँ पे जो फिंगर है वो मेरे 8 महीने के जैसे ही अभी काम कर रहा है, क्योंकि मैंने इसको बहुत ही ज्यादा सेफ्टी से रखा है। जी हाँ दोस्तों यहाँ पे फिंगर की बात की जाए तो काफी अच्छा है और फेस लॉक भी यहाँ पे काफी अच्छी तरीके से काम कर रहा है। दोस्तों यहाँ पे आप पीछे देख पा रहे होंगे यहाँ पे 4 कैमरे मिलते हैं। जहाँ दोस्तों यहाँ पे 3 कैमरे आते हैं, पर यहाँ अभी भी 4 कैमरे दिए गए हैं इस यहाँ पे मोबाइल के अंदर, Realme C15 के अंदर। तो दोस्तों यहाँ पे लुकिंग वगैरह की बात की जाए तो यहाँ पे ओप्पो 17 की तरह दिया गया है, पर ओप्पो 17 के पीछे कैमरा नहीं है, पर इसके अंदर पीछे कैमरा दिया गया है। तो दोस्तों यहाँ पे लुकिंग में काफी अच्छा दिया गया है यहाँ पे Realme C15। दोस्तों अगर इसके प्रोसेसर की बात की जाए तो यहाँ पे MediaTek Helio G35 मिलता है। जी हाँ दोस्तों यहाँ पे प्रोसेसर इसका काफी ज्यादा हल्का है, यहाँ पे गेमिंग के लिए मैं कह रहा हूँ कि मोबाइल नहीं बना है। दोस्तों यहाँ पे इसका वेट थोड़ा भारी है। जी हाँ दोस्तों यहाँ पे हाथ के अंदर थोड़ा कंफर्टेबल फील हो रहा है, पर थोड़ी साइज भी बड़ी है और थोड़ा भारी भी है, तो यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे भारी मतलब महसूस हो रहा है, जेब के अंदर भी थोड़ा भारी भारी लगेगा। तो दोस्तों यहाँ पे मोबाइल काफी अच्छा है, मतलब अगर लो रेट के अंदर लेना चाहते हो तो मोबाइल काफी अच्छा है। और यहाँ पे थोड़ा प्रोसेसर इसका हल्का मिलता है, यानी कि अगर आप इसके अंदर पबजी वगैरह या कोई भारी गेम खेलते हो इसके अंदर तो ये काफी ज्यादा हीट हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों यहाँ पे हीट की इसके अंदर प्रॉब्लम आती है, हीट ये बहुत ज्यादा होता है अगर आप गर्मी के अंदर, जैसे अभी हम गर्मी के अंदर है, ये पसीना वगैरह देख पा रहे होंगे आप, तो यहाँ पे अगर हम इसके अंदर थोड़ा सा कुछ चलाएंगे तो ये हीट हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों आप सपोर्ट कीजिए ताकि हम कुछ लगवा लें यहाँ पे, ठंड हो जाए, बहुत ज्यादा गर्मी है दोस्तों यहाँ पे। वीडियो के अंदर आप देख रहे होंगे पसीना बहुत ज्यादा आ रहा है क्योंकि फैन हम चला नहीं सकते यहाँ पे, इसकी आवाज आती है माइक के अंदर। तो दोस्तों यहाँ पे मेरी नजर में अगर आप 10,000 रुपए के नीचे अगर कोई भी मोबाइल खरीदना चाहते हो तो Realme C15 आप खरीद सकते हो, काफी अच्छा मोबाइल मिल रहा है दोस्तों आपको। और यहाँ पे अगर भारी बजट के अंदर लेना है 10,000 से प्लस, तो और भी काफी सारे मोबाइल्स हैं तो वो खरीद सकते हो। और गेमिंग के लिए चाहिए तो मत खरीदना दोस्तों, मैं पहले ही बता दे रहा हूँ आपको। और अगर नॉर्मली आप यूज के लिए लेना चाहते हो यानी घर के लिए या बच्चों के लिए, तो काफी अच्छा मोबाइल है, आप
खरीद लीजिए। आपको कैसा लगा ये कमेंट करके जरूर बताइए दोस्तों, और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। दोस्तों मिलते हैं ऐसे ही किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय।